तो विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोग अल्हैया बिलावल राग के ऊपर जो है अपना पिछली दो सीरीज़ हमने उस पर डिस्कशन किया, तो आज भी हम राग अल्हैया बिलावल की इस श्रृंखला को जारी रखते हुए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राग अल्हैया बिलावल जैसे कि सुबह गाया जाने वाला राग है, तो राग अल्हैया बिलावल में किस प्रकार से आलापचारी की जाती है, किस प्रकार से राग का विस्तार होता है, किस प्रकार से बढ़त होती है, ये तो हमने जान लिया। और आज की हम इस कड़ी में आपको बताएंगे कि राग अल्हैया बिलावल में कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि तानों की जो है वो निर्मति हो सकती है या तानों की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इसके लिए हमने अपना जो एक बैकग्राउंड है वो तो पहले ही तैयार कर लिया, यानी हमने ये देख लिया कि राग अल्हैया बिलावल के आरोह जो क्या है, उसकी पकड़ कौन सी है, उसके वो कौन से मुख्य जो हैं स्वर समुदाय हैं या कौन सी स्वर संगतियां हैं जो राग अल्हैया बिलावल में बहुत ही अनिवार्य हैं। तो एक तरह से एक बैकग्राउंड बन जाता है तानों की प्रैक्टिस के लिए, यानी हम कह सकते कि तान जो हैं उनको बनाने के लिए पहले पलटों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पलटों का अभ्यास जो है, पलटे मतलब पलटना, यानी बार 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 स्वरों को पलटना और उनकी प्रैक्टिस करते रहना, इसीलिए शायद इस तरह के बड़े साधारण से शब्द, जैसे मैंने बताया कि पकड़ क्या चीज़ होती है, पलटा क्या होता है, तो इस तरह के बड़े साधारण से शब्द जो है विद्वानों ने, संगीतकारों ने जो है हमारे शास्त्रीय संगीत को दिए। तो पलटे जो हैं उसमें राग अल्हैया बिलावल के पलटे किस प्रकार से गाए जाते हैं, इन पलटों का अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन पलटों के अभ्यास से ही तो हम आगे अपने दानेदार तानों को जो है वो तैयार कर पाएंगे, और जब हम बंदिश को गाएंगे तो वो ताने जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी, और एक तरह से जब आप गाते हैं तो आपको तो अच्छी लगती ही लगती हैं, साथ में जो आपको सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी बहुत मनभाती हैं। तो आइए आज हम पहले आरंभ करते हैं कि राग अल्हैया बिलावल की पलटे कैसे हैं और किस प्रकार गाई जाएंगी। सबसे पहले हम एक छोटी सी बंदिश आपको पंडित भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक क्रमिक पुस्तक मालिका में द्वितीय भाग में जो है एक बंदिश को उन्होंने इसका संग्रह किया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए, जो कल जैसे मैंने आपको बंदिशें बताई कि आध्यात्म भी है, लेकिन कहीं कहीं पर श्रृंगारिक भाव भी जो है इस राग में बहुत ही बखूबी खिलता है। तो ये बंदिश जो है इसके बोल है, मनहरवा रे हरी हरी चूड़ियाँ देहु मंगाए, रंग रंगीली और चटकीली तापर धनक टके। यानी बड़ी खूबसूरती सी बात है कि नायिका जो है वो नायक से कह रही है कि मुझे मनहर, मन को हरने वाली, मन को भाने वाली हरी हरी चूड़ियाँ मुझे मंगा कर दो, मुझे ला कर दो, जो रंग रंगीली हैं, चटकीले रंग हैं और उस पे धनक टके, यानी उस पे सितारे भी जड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जो मनोभाव हैं इन बंदिशों में साहित्य के जरिए जो है उनको सामने लाया जाता है और संगीत में पिरोया जाता है, स्वरों में पिरोया जाता है और उसको तालबद्ध किया जाता है, तो एक बंदिश का रूप लेती है। यानी जैसे मैंने कहा कि बंदिश जो है स्वर, पद और ताल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी इन तीनों को जो एक बांध कर एक जो चीज़ सामने आती है, जो बंधन में चीज़ सामने आती है, उसे हम बंदिश कहते हैं। तो राग अल्हैया बिलावल की ये बंदिश प्रस्तुत है। जब हम राग की बंदिश को प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि हमें पहले राग का एक थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए, यानी हम जो राग गा रहे हैं उसकी छोटी सी एक झलक जो है हमें देनी चाहिए, उसके बाद बंदिश आरंभ करनी चाहिए। हाँ, जब सिखाते हैं तो ज़रूर आरोह अवरोह और पकड़ बताई जाती है, लेकिन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं या हम किसी के सामने गा रहे हैं, एग्जाम्पल है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे के शॉर्ट वे में उसको शुरू कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपके सामने एक छोटा सा आलाप गाया तो उसमें आपको समझ में आ गया कि मैं राग अल्हैया बिलावल गाने जा रही हूँ। चलिए बंदिश गाते हैं। मन हरवा रे
देखिए ये थी बंदिश राग अल्हैया बिलावल की, जहाँ पर कि एक तरह से मैं कह सकती कि चूड़ियाँ जो हैं, जो भारतीय संगीत, भारतीय एक साहित्य की और संगीत में एक विषय के रूप में भी ली जा सकती हैं और भारतीय संस्कृति में एक उसका अपनी एक पहचान है, तो उसके बारे में बताया गया है। और देखिए राग अल्हैया बिलावल के जो स्वर हैं, सा इसका प्रयोग खूब, ये भी बहुत खूबसूरती से कोमल निषाद का प्रयोग बहुत सुंदर से, तो मैंने इसीलिए सोचा कि यदि इस बंदिश का एक वो दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो उसको आप बहुत सुंदर तरीके से जान पाएंगे, राग को भी और अधिक समझ पाएंगे, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। चलिए आते हैं अब हम पलटों पर कि पलटे किस प्रकार से की जाए। तो हमने जब इसका शुरू में इसका चलन जाना, तो उसका चलन किस प्रकार, सा रे गा मा रे सा, या हम ऐसे भी गए हैं सा गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। तो यानी कि आलापचारी जो है उसी को ताने भी फॉलो करते हैं, जो से मेन जो विशेष चीज़ें हैं, खास संगतियाँ, उनको तो ध्यान रखना ही है और ये देखना है कि राग ना बिगड़े। कभी कभी ये होता है कि सपाट ताने यानी जो सीधी सीधी चलती हैं, उन तानों में कुछ कुछ इस तरह से भी होता है कि कुछ कुछ स्वरों का चाहे उनका अल्प प्रयोग हो, तब भी उसको हम अपने सपाट तानों में उसका प्रयोग करते हैं। अब रही बात अल्हैया बिलावल की, तो अल्हैया बिलावल में हमने इस प्रकार से भी गाया है, सा रे गा मा रे सा, और हमने ऐसे भी गाया है, सा गा मा रे सा। तो आप देखिए हमारी जो पलटे तैयार हो रही हैं वो कैसे, सा रे गा मा रे सा सा गा मा रे सा सा रे गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा सा गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। तो देखिए दोनों तरीके से पलटे तैयार हो रही, हमारे पास वैरायटी हो जाती है। तो पहले हम लेते हैं सा के बाद ऋषभ के साथ जो हमने पलटे बनाई वो किस प्रकार से हैं, सा रे गा मा रे सा सा रे गा मा पा मा गा मा रे सा सा रे गा मा रे गा पा दा नी दा पा गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। तो देखिए इसकी वक्रता जो है वो यहाँ पे भी सामने आ रही है, हम सीधे नहीं ले रहे सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ऐसे हम नहीं गा रहे हैं, हम गा रहे हैं सा रे गा मा रे सा, क्योंकि हम पलटे गा रहे हैं, सा रे गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। ये हमने आलापचारी के समय किया, और उसी चीज़ को हम पलटों में या तानों में जब लेते हैं तो वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से सामने आती है, सा रे गा मा रे गा पा दा नी दा पा मा गा मा रे सा। तो देखिए वही चीज़ नीचे बोला मैंने मध्य और मंद्र सप्तक के स्वरों में भी, और वही चीज़ तार सप्तक में, सा रे गा मा रे सा, वही चीज़ तार सप्तक में जा रही। तो आप यदि समझ कर करेंगे तो आपको उसको गाने में मज़ा भी आएगा, और आप उन पलटों को यदि थोड़ा सा शुरुआत में बता दी जाए तो उन पलटों को आप आगे बढ़ाने में, उनको गाने में आप अपने आप भी बना सकते हैं। तो एक विधि पता होनी चाहिए कि पलटों को कैसे बनाया जाए, और जैसे मैं आपको बोलती कि राग के नियम, राग की स्वर संगतियों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए इन पलटों को गाया जाता है। तो अब हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसको ताल में करें, ख़ासतौर पर तीन ताल के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम आगे बंदिशों में इन पलटों में से तानों को गाएंगे या तानों की को बनाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ तो हमारे पास एक दायरा है,
एक सीमा है, यानी उस ताल की सीमा। हमें पता है कि हमें 8 मात्रा की तान लेनी है या 16 मात्रा की लेनी है या 32 की लेनी है, तो एक दायरा हमारे को निश्चित है। उस दायरे में अकॉर्डिंग टू आवर स्पीड, हमारे जो जितने हम उसको फास्ट गा सकते हैं, उस स्पीड में जो हमें कंफर्टेबल हो, उस स्पीड में जो ताने हैं उनके जो दाने यानी मोतियों की तरह एक एक स्वर जो है वो अलग चमकता हुआ है। इस प्रकार से जब हम फास्ट गाएंगे तो वो भी वहाँ पर क्लियरली आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहते हैं ताने फिसल गए, यानी उसके दाने क्लियर नहीं हुए। तो ये कुछ संगीत की भाषा है, संगीत की परिभाषाएं कहेंगे, तो इनको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना चाहिए। तो अब हम सपोज़ इस पलटे को हम यदि गाते हैं और ताल के साथ गाते हैं तो कैसे गाते हैं, देखिए। सा रे गा मा रे सा रे गा मा पा मा गा मा रे सा रे गा मा पा दे नी दा पा मा गा मा रे सा रे गा मा पा दे नी सा दा नी दा पा गा मा रे सा रे गा मा पा दे नी सा गा मा रे सा नी दा नी दा पा गा मा रे सा। अब धीरे धीरे यदि हम इसको इसकी स्पीड जो है हम डबल करें तो कैसे आएगा, सारे गा मरे सा सारे गा मा पा मा गा मरे सारे गा मा पा दा नी दा पा मा गा मरे सारे गा मा पा दा नी सा दा नी दा पा गा मरे सारे गा मा पा दा नी सारे गा रे सा सारे सा नी दा नी दा पा गा मरे सारे गा मा पा दा नी सा गा मरे सा सारे सा नी दा नी दा पा गा मरे सा। तो हमने राग के जो खास स्वर संगतियाँ हैं, जो नियम हैं, उनको ध्यान में देख रखते हुए, उनको बिल्कुल मुख्य तरीके से उसको सामने रखते हुए हमने जो है इन पलटों की प्रैक्टिस करनी। अब आप मुझे नोट कर लोगे कि मैं चाहे बोल भी रही हूँ या मैं गा भी रही हूँ, मेरी ताल बराबर चल रही है। ये लय है, यानी इस टेम्पो में मैं अपनी पलटों की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि वही मुझे ये जो टेम्पो है या ये जो ताल मैं दे रही, ये मुझे मेरे दायरे को सामने दर्शाती है। वो एक छंद के रूप में मैं कहूँ, यदि साहित्य है तो छंद के रूप में सामने आएगा। तो इस दायरे को साथ में रखते हुए मुझे ये बताता है कि मैं अपनी लिमिट से बाहर न जाऊँ, यानी उस ताल के अंदर ही, उन सीमाओं में, उन मात्राओं में ही बंध कर अपनी प्रैक्टिस करूँ अपने पलटों की। सारे गा मा रे सारे गा मा पा मा गा मा रे सारे गा मा पा दा नी दा पा मा गा मा रे सारे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा मा रे सारे गा मा पा दा नी सारे गा रे सारे सा नी दा नी दा पा गा मा रे सारे गा मा पा दा नी सा गा मा रे सारे सा नी दा नी दा पा गा मा रे सारे गा मा पा दा नी सा गा मा रे गा पा मा गा मा रे सारे सा नी दा नी दा पा गा मा रे सा। तो ये हमारी एक प्रैक्टिस है। अब हम, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि मंद्र सप्तक के स्वरों का भी प्रयोग होना चाहिए, उस पर आपकी अभ्यास होनी चाहिए, तो हम मंद्र में कैसे जाएंगे। सारे सानी धनी ध पनी ध सानी रे सा गा मा रे सा सारे सानी धनी ध नी ध सानी रे सा गा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। इसको पहले भी कम लय में गाए तो सारे सानी धनी ध पनी रे धनी ध सानी रे सा, वही वक्रता जो हम मध्य सप्तक में लेते हैं। सारे सा नी द नी द प नी द सा नी रे सा, ऐसे भी गा सकते हैं। पंचम तक गए, उसके नीचे जाना है तो सारे सा नी द नी द प रे प द नी द सा नी रे सा, यानी हम मंद्र सप्तक के ऋषभ तक चले गए। अब यदि इसमें हम डबल स्पीड में इसको करते हैं तो सारे सा नी द नी द प पदनी द सानी रे सा सारे सानी धनी द प म ग पदनी द सानी रे सा गा म रे सा सारे सानी धनी द प म ग पदनी द सानी रे सा गा म रे गा प म गा म रे सा सारे सानी धनी द प म ग पदनी द सानी रे सा गा म रे गा पदनी द प म गा म रे सा सारे सानी धनी द प म ग पदनी द सानी रे सा गा म रे गा पदनी द सानी धनी द प गा म रे सा सारे सानी धनी द प म ग प द नी द सानी रे गा म रे गा प द नी द सानी रे सा गा म रे सा सारे सानी धनी द प म ग रे गा प म गा म रे सा सारे सानी धनी द प म ग प द नी द सानी रे गा म रे गा प द नी द सानी रे सा गा म रे गा प म गा म रे सा सारे सानी धनी द प ग म रे सा।
हमारी जो अभ्यास की प्रक्रिया है या हमारे जो रियाज की प्रक्रिया है उसमें ये पलटे ही हैं जो हमारे रेंज को बढ़ाती है। यानी धीरे धीरे हम जो है मंद्र सप्तक की तरफ गए, धीरे धीरे मध्य सप्तक में बढ़े और धीरे धीरे तार सप्तक में। कोशिश ये रहती है कि तार सप्तक के पंचम और मंद्र सप्तक के पंचम तक आवाज़ को सहजता के साथ जाना चाहिए। किसी किसी को ये टैलेंट भगवान की तरफ से दिया होता है, एक्सेप्शनल सभी जगह होते हैं, लेकिन किसी किसी को यदि वो मुश्किल है वहाँ जाने में, तो सही तरीके से रियाज करने से आवाज़ तार सप्तक के पंचम या मंद्र सप्तक के पंचम तक आराम से जा सकती है। और कोशिश करें तो तार सप्तक के सात तक, यानी पूरे तीनों के तीनों सप्तकों तक आवाज़ बहुत खूबसूरती से जा सकती है। ऊपर की तरफ यानी तार सप्तक पर जाएं तो आवाज़ को थोड़ा सा दबा कर जाना चाहिए। जैसे कोशिश करते हैं, सारे गा मरे गा पा धनी दा सा नी रे सा, सारे गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे सा नी दा नी दा पा गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा धनी दा सा नी रे सा गा मरे गा पा धनी दा पा मा गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे सा नी दा नी दा पा गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा धनी दा सा नी रे सा गा मरे गा पा धनी दा सा नी दा नी दा पा गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे सा नी दा नी दा पा गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे सा नी दा नी दा पा हमारे साथ। तो हमने कोशिश की तो धीरे धीरे हम मंद्र पे भी गए और हम तार सप्तक के सा पे भी गए। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने पहले गाया सारे गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा दा नी दा पा मा गा मरे सा, और बाद में मैं कुछ और वैरायटी लेकर आई। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि जब हम पलटे गाते हैं तो क्योंकि राग में अलग अलग तरह के स्वर गुच्छों का प्रयोग होता है, जब विस्तार करते हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहला पलटा बताया सारे गा मरे सा, सारे गा मा पा मा गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा दा नी दा पा मा गा मरे, सारे गा मरे गा पा दा नी दा सा नी दा नी दा पा गा मरे सा। अब इस पलटे को हमने जब गाया तो हमारा पहला चरण क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमने उसको आधी लय में गाना है, ताल के साथ गाना है। सारे गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा मा गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा दा नी दा पा मा गा मरे सा, सारे गा मरे गा पा दा नी दा सा नी दा नी दा पा गा मरे सा। अब इसी को आकार में कोशिश करिए, आ कभी कभी वो उतना रुचिकर या उतना रोचक उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, थोड़ी सी बोरियत होने लगती है। ये जाहिर सी बात है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सेशन कभी इंटरेस्टिंग नहीं होता अनलेस कि उसमें घुसा जाए, उसको करते रहा जाए तब आपको मज़ा आएगा। जब आप उसको डबल स्पीड में करेंगे और आपकी धीरे धीरे करके आप डबल स्पीड में आएंगे या आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अरे आवाज़ तो बहुत खूबसूरत तरीके से जा रही है, तो आपको बहुत मज़ा आने लगेगा और आपका गाना भी खिल कर सामने आएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा जो पलटा है सा गा मा मरे सा, सा गा मरे गा पा मा गा मा मरे सा, सा गा मरे गा पा दा नी दा पा मा गा मा मरे सा, सा गा मरे गा पा दा नी सा नी दा नी दा पा मा गा मा मरे सा। ये भी एक वैरायटी हो गई। इसको यदि हम डबल में करें सागा मामा रे सा, सागा मारे गा पा मा गा मामा रे सा, सागा मारे गा पा दा नी दा पा मा गा मामा रे सा, सागा मारे गा पा दा नी सारे सा नी दा नी दा पा मा गा मामा रे सा, सागा मारे गा पा दा नी सारे गा रे सारे सा नी दा नी दा पा मा गा मामा रे सा, सागा मारे गा पा दा नी सारे गा मा पा मा गा मा रे सा, सारे सा नी दा नी दा पा गा मा रे सा। तो कभी कभी सपाट जो है उसको लेने से भी आवाज़ में जो है वो ताने बहुत खूबसूरत और दानेदार ताने बनने में सहायक होता है। अब हम यदि इसको आकार में लेंगे, डबल स्पीड में लेते हैं तो कैसे बनेगा, आ
खाते वक्त आपको लग रहा होगा कि दाना एक एक क्लियर है, लेकिन इस दाने को ऐसा नहीं था। जब मैंने भी गाना सीखा होगा तो ये दाना ऐसे नहीं था। तो मेरे गुरुओं ने जैसे मुझे बताया कि भाई इसको करने के लिए राज की बात है कि पहले उसकी आधी स्पीड कर लीजिए और उस स्पीड में उसको प्रैक्टिस करिए और फिर धीरे धीरे लय को बढ़ाइए। कैसे? सा गा म रे गा प म गा म म रे सा आ को बार 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 प्रैक्टिस करिए। जब वो फ्रेज क्लियर हो जाएगा फिर दूसरे को लीजिए। सा गा म रे गा प द नी द प ग म रे गा प म ग म रे सा गा म रे गा प द नी द प म ग म म रे सा। हम इसको गा रहे थे सा गा म रे गा प द नी द प म ग म म रे सा गा म रे गा प द नी सागा मरेगा पदनी दापा मागा मामा रेसा सागा मरेगा पदनी दापा मागा मामा रेसा। अब इसी को आकार में गाएंगे तो अभी मैंने ताल नहीं दी है लेकिन आपको दाने दिखाई दे रहे होंगे। अब जब हम इन्हीं तानों में इन्हीं पलटों में हम शब्द लगा देते हैं तो वो किस प्रकार से सामने आएगा? जैसे मैं बंदिश गा रही थी आपके मन हरवा रे, अब मन हरवा करते अपने आप वो चीज़ें सामने आ जाएंगी और आपको आपकी पलटों के द्वारा आपकी ताने बहुत ही रुचिकर और बहुत ही सुंदर स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। अब और ऐसे पलटे बहुत से हो सकते हैं जैसे कि राग की जो विशेष चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था विशेष स्वर संगतियाँ, जैसे हम लेते हैं धनी धप, धनी धप यानी दोनों धैवत के साथ कोमल निषाद। अब दोनों धैवत से कोमल निषाद जो है उसको जब हम ले रहे हैं या हम गा रहे हैं तो उसको हमने किस प्रकार से उससे भी पलटे बन सकते हैं, उसको हम बार बार देखें, वो तो खास चीज़ है राग अलैया बिलावल की, तो इसकी कोशिश करके देखते हैं। धनी दा पा मा गा मा रे सा धनी दा पा मा गा मा म रे सा धनी सा रे सा नी धनी दा पा मा गा मा म रे धनी वैरायटी होगी। कोशिश करते हैं इसको कि हम डबल स्पीड में गाएं फिर आकार में गाएं, देखिए हमारे दाने कितने क्लियर होते हैं। जैसे धनी दा पा मा गा मा म रे सा आ धनी सा रे सा नी धनी दा पा मा गा मा म रे सा आ धनी सा रे गा रे सा रे सा नी धनी दा पा मा गा मा म रे सा आ। हम इसको जब डबल स्पीड में करते हैं तो हमारी ताने किस प्रकार से बनकर आती है।
धनी सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा धनी सारे घरे सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा धनी सारे गमा रे सा सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा धनी सारे गमा रे गा पामा गमा रे सा सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो गा रहे हैं उसको समझ कर गाइए, उसको आप जब उसको आपको राग का चलन राग का स्वर संगतियाँ स्पष्ट हैं तो आप स्वयं उसको गा सकते। कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉपी खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझ कर गाइए। तो समझ कर गाने से क्या होगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है और राग को जब आप समझ कर गाएंगे तो वो एवर लास्टिंग होता है, आपको हमेशा के लिए राग आता है। ये अलग बात है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना रियाज करते हैं, जितना रियाज करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेगा। तो हम अब इस पलटे को जब गा रहे थे कोमल निषाद वाला पलटा दोनों धैवत के साथ, इसको यदि हम डबल स्पीड में गाते तो कैसे होगा। धनी सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा धनी सारे घरे सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा धनी सारे गमा रे सा सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा धनी सारे गमा रे गा पामा गमा रे सा सारे सानी धनी दापा मागा मामा रे सा। अब हम जब इसको आकार में गाएंगे तो किस प्रकार से होगा। गाते मैं तार सप्तक के धानी धापे चली गई। तो आवाज़ का जो बनाव है, मेहनत तो शुरू में करनी पड़ती है लेकिन धीरे धीरे जो आवाज़ बनकर, जो गोल आवाज़ बनकर सामने आएगी उसका आनंद ही कुछ और है, आपको स्वयं आपका गाना अच्छा लगने लगेगा। और हाँ, ये सिर्फ गाने के लिए बात नहीं हो रही है, जो वादन करते हैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक जिनका है, जो उसको सितार पर बजाते हैं, सरोद पर बजाएंगे, गिटार पर बजाएंगे, तो उनके लिए भी यही पलटे जो हैं वो लाभदायक हैं क्योंकि राग तो वही है, आप उसमें शब्द डाल के उसको बंदिश बना के गा रहे हो और उस पर गत के रूप में जो है इंस्ट्रूमेंट्स पर बज रही है। तो पलटों की प्रैक्टिस जो है वो सेम है उसमें भी, क्योंकि राग तो नहीं बदलता, राग तो वही का वही है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस समय हम गा रहे हों, चाहे हम पलटे गा रहे हों, चाहे हम आलाप गा रहे हैं या हम राग का विस्तार कर रहे हैं, चेहरे को ऐसा ना बनाएं कि चेहरे में किसी प्रकार से जैसे भ्रुकुटियाँ तन जाती हैं या आँखों का जोर आ रहा है या फिर आपके मुख मुद्रा गलत बन रही है, तो ये सब गायन के दोष हैं, इनको नहीं करना चाहिए। हाँ, सहज रूप से यदि कोई चीज़ आती है जो बड़ा नेचुरल, जैसे हाथों के जेस्चर्स बहुत सहज रूप से आते हैं, या आपका थोड़ा सा सिर का हिलना, या आपके चेहरे में कि उस भाव को थोड़ा सा उस भाव को दर्शाते हुए कोई इस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है, वो एक अलग चीज़ है, वो स्वाभाविक है। लेकिन चेहरे में एकदम खौफनाक सा चेहरा हो जाना या मुंह का टेढ़ा होना या आपकी आँखों का बाहर निकलना या बहुत ज़्यादा हाथ पांव हिलाना, ये सब गायन के दोष हैं, इन दोषों को हमने शुरू में ही ठीक कर देना चाहिए। ताने गाते समय लोग अपनी ठोड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसको हिलाते रहते हैं या जबड़े को हिलाते हैं, तो इस तरह की गायन शैली में इस तरह की चीज़ें वर्ज है। जिस प्रकार से कहते हैं ना राग में ये स्वर वर्ज है, उसी प्रकार से गायन में ये जो दोष हैं ये वर्ज है, इनको अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करें, तो कोशिश कीजिए सामने एक शीशा रखकर गाइए, तो उससे क्या आप जो गा रहे हैं आपका चेहरा दिखेगा। संगीत जो है वो टेंशन के लिए नहीं है, संगीत जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए, संगीत जो है उसको सुन के आनंद की प्राप्ति होती है। और आनंद कभी भी इस प्रकार से नहीं झलकता कि आपको देख के कोई डर जाए जब आप गा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए हम पलटों की तरफ आ रहे थे। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि जब मैं इसको गा रही हूँ तो धीरे धीरे मेरे ताल के साथ मेरा आकार चल रहा है। अब जब हम बंदिशों के साथ इसको लेते हैं तो हम उसको कैसे लेते हैं। अब मैं धनी धप का आकार ले रही थी।
वही चीज यानी वही स्वर है, उन्हीं में से आकार बन रहा, आलाप बन रहा, वही ताने बन रही है। अब जब शब्दों को डाला जाए, कोशिश की जाए ऐसे शब्द जिसमें आकार ए आ ई ओ वोवल साउंड जो मैं हमेशा बताती हूँ, उस तरह के साउंड जो हैं उस वाले मात्राओं वाले जो शब्द अक्षर हैं या जो शब्द हैं उनको बढ़ा जाए। जैसे दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन मन हर वारे मन हर रे मन हर हर पलटा गाना, एकार में पलटा गाना वो इजी भी लगता है और वो गाने में भी सुनने में भी अच्छा लगता है। इसके बदले यदि मैं इस प्रकार से गाऊं तो दादा दिन दिन मान तो आपके जो मुख से जहाँ से वो साउंड निकल रहा है, जहाँ से आपकी आवाज़ निकल रही है, वही आपका एक कंस्ट्रेन हो जाता है, एक तरह से उस पर जोर पड़ता है और वो सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता और साथ ही साथ शब्द भी क्लियर नहीं है, क्योंकि गायन में साहित्य का भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। शब्द क्लियर होना चाहिए कि हम यदि इसको गा रहे हैं तो हम अपने अंदर ही अंदर गा रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको समझ ही में नहीं आ रहा मैं क्या गा रही हूँ। उनको लग रहा है कि हाँ सुर समझ में आ रहा है लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे। तो जब हम उनको बंदिश के साथ इन पलटों का या इन तानों का प्रयोग करते हैं, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारा जो है शब्द जो है वो उस भाव को या एक अर्थ को ज़रूर बताता है। माना देखिए मन हरवारे शब्द एकदम क्लियर है। तो ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग जब हैं गाते हैं पलटों की तानों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें किस प्रकार से गाना चाहिए, किस प्रकार से हमने अपने हाथ में ताल देते हुए गाना चाहिए, क्यों गाना चाहिए। मैं हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है क्यों गाना चाहिए, क्योंकि उससे आवाज़ की दाने जो है वो एकदम क्लियर होते हैं और गले पर कहीं कोई असर नहीं पड़ता। आप चाहे मुस्कुरा के गाइए मन हरवा पलटें किस प्रकार से राग अल्हैया बिलावल में पलटों की प्रैक्टिस की जाए, तानों की प्रैक्टिस की जाए। पलटे कब तान का रूप लेते हैं, अब ये एक प्रश्न आता है पलटे तानों का रूप कब लेते हैं। तो पलटे तानों का रूप तब लेते हैं जब उनको किसी ताल में जो है उसमें स्थापित किया जाए, यानी जब हमारी बंदिश चल रही है, बंदिश में जब हम गा रहे हैं तो हमारे पास एक ताल की सीमा होती है कि भाई ये 14 मात्रा की ताल है या ये 16 मात्रा की ताल है या ये 32 मात्रा की ताल है। हमने मुखड़ा उठाया और हम यदि कहीं से भी शुरू होते हैं, सपोज़ करिए हम खाली से नहीं शुरू होते, कहीं से भी शुरू होते तो हमको सम पर आना है। सम तक आने के लिए हमें तान का प्रयोग करना है। तो हमें पता हमारा दायरा इतना है, 10 मात्रा का है या 8 मात्रा का है या कि 12 मात्रा का है, तो उसमें हम अपने पलटे को समेटेंगे। तो जब वो एक लिमिट उसमें आकर गाया तो वो एक तान का रूप ले लेती है, इसीलिए उसको तान कहते हैं, क्योंकि वो बार बार स्वरों के से गुथी हुई होती है और उसको फास्ट जो है उसमें स्पीड में उसको गाते हैं। तो ये थी पलटे राग अल्हैया बिलावल की। और जब हम गाएंगे तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले सीधी सपाट सरल पलटे दी जाए, लेकिन क्योंकि राग ही ऐसा वक्र है तो हम उस राग की जो वक्रता है या जिन स्वरों की जो खास चीज़ें हैं, खास संगति है, उनको ध्यान में रखते हुए गाएंगे तो अल्हैया बिलावल राग कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सामने स्पष्ट रहेगा। तो इसके साथ साथ
ये पलटे तो ये रही, लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले दो अपने लेक्चर्स में बताया था कि कुछ राग हैं जो राग अलहैया बिलावल के काफ़ी नज़दीकी हैं या समप्राकृतिक राग हैं, जिसमें से कि बिलावल राग मैंने बताया था कि बिलावल जो है वो और अलहैया बिलावल जो है वो काफ़ी नज़दीकी हैं। दो और राग हैं जैसे राग एमनी बिलावल और राग देवगिरी बिलावल, ये भी राग जो हैं वो अलहैया बिलावल के काफ़ी आसपास हैं। आजकल के समय में जब बिलावल की बात करें तो लोग अलहैया बिलावल ही पहले गाते हैं, क्योंकि वो इतना चर्चित हो चुका है, इतना पसंद किया जाता है कि अलहैया बिलावल को ही लोग नॉर्मली बिलावल समझ के गाते हैं। लेकिन बिलावल राग अलग है और अलहैया बिलावल राग बिल्कुल अलग है। बिलावल राग में कोमलनी का प्रयोग कभी नहीं होता, क्योंकि कोमलनी का प्रयोग दोनों धैवत के साथ जो है ये खासियत है अलहैया बिलावल की। तो उसमें कैसे आएंगे, सा गमरेगा पद नि सा नि द प गमरेगा पद नि सा दनि सा नि द प गमरेगा पद नि द सा। ऐसे भी जाते हैं, नी द सा दि सा द नि द प गमरेगा पद नि द सा नि द प गमरेगा प म ग म रे सा। तो इस पर या सा रे गा म पद नि सा, ये भी इस प्रकार से बिलावल जो है उस राग के स्वर जो है उस प्रकार से प्रयोग होते हैं। अब आता है राग एमनी बिलावल। एमनी बिलावल या यमनी बिलावल जो है वो शब्द से ही आपको जाहिर हो गया होगा कि यमन और बिलावल का कॉम्बिनेशन है। यमन राग जो है वो बहुत बेसिक राग, मैंने आपको पहले भी बताया, और बिलावल इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनकर आता है, नि द नि र ग म रे ग प म ग म रे सा नि ग नि र ग म रे ग प ग म द प म प। अभी देखिए, नी द नी र ग यमन है, ग म द प म प, ये जो तीव्र मध्यम का प्रयोग यहाँ पे भी कल्याण आता है, और बाकी जो है वो बिलावल है। ग म द प म प ग म ग रे ग रे सा नि द नि र ग ग रे नि द नि र ग ग म ग प ग म ग प ग म द प म प नि द सा नि द प ग म द प म प ग म ग रे ग रे सा नि द नि र ग। तो देखिए राग एकदम सामने क्लियर है, जबकि हम यदि इसका तुलना करें अलहैया बिलावल से तो बिल्कुल अलग है। नि द नि र ग ये तो इसमें प्रयोग नहीं होता, ग म द प म प तीव्र मध्यम ये भी प्रयोग नहीं होता, ये सिर्फ एमनी बिलावल में प्रयोग होता है। तो उसके हम कंपेयर करें तो सा ग म रे ग प द नि द प बिल्कुल अलग सामने आ गया। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये रागों का जो तुलना है उसमें यदि राग ही स्पष्ट होगा तभी आप तुलना कर पाएंगे। और एमनी बिलावल का कॉम्बिनेशन कैसे बना है, उसके साथ अलहैया बिलावल को देखा जाए तो दोनों राग एकदम क्लियर होते हैं। तो ये तो था राग एमनी बिलावल। अब एक राग और आता है, वो है राग देवगिरी बिलावल। अब राग देवगिरी बिलावल जो है उसमें क्या कॉम्बिनेशन है, राग देवगिरी बिलावल में शुद्ध कल्याण और बिलावल का कॉम्बिनेशन है। तो किस प्रकार से, सा द नि प प ग रे ग रे ग प ध ग म रे ग प म ग म रे सा द नि प ग प ग रे ग प ध नि प म ग म रे ग प म ग म रे सा द नि प सा प ग। तो देखिए राग देवगिरी बिलावल एकदम अलग खिलकर सामने है। राग देवगिरी बिलावल भी
सुबह का गाया जाने वाला राग है, अम्मी बिलावल शाम को गाया जाता है। तो जब हम राग को समझकर गाएंगे तो राग हमें याद भी रहेगा और या राग को हम एक दूसरे से उसको डिफरेंस जो है उसका हमें क्लियर करें, अंतर भी हम कर पाएंगे। और क्योंकि संगीत जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, संगीत जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, थ्योरी तो है, शास्त्र तो हैं, उनको हम जो है अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब तक उसको हम अपने गले से गाकर या अपने इंस्ट्रूमेंट में बजाकर हम यदि नहीं करेंगे तो वो कैसे राग सामने आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक राग और बेसिक और उनके जो संप्रकृतिक राग है उनके डिफरेंसेस जो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम जब अलैया बिलावल की बात करते हैं, देखिए बहुत से उदाहरण अलैया बिलावल के मिलते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि भाई राग अलैया बिलावल है या उसके स्वरों को लेकर जो वजह बनाए गए हैं। गीत फिल्मों में भी बहुत सारे गीत लिए गए हैं, आपको भी पता होगा बहुत सारे गीत हैं। तो एक बावर्ची फिल्म थी जिसमें कि बहुत ही मशहूर एक गीत था, भोर भई भोर आई गया अंधियारा, तो यानी सुबह हुई है और अंधियारा चला गया। देखिए राग के समय के हिसाब से भी सुबह का राग है, तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत खूबसूरत है। कोशिश करते हैं इस राग को, इस गीत को गाने का, क्योंकि ये भी एक आसान तरीका है विद्यार्थियों के लिए कि कोई राग को एकदम से यदि याद करना और राग यदि उसके उतने बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम इस तरीके से भी उसको एकदम स्मरण कर सकते हैं राग का, कोशिश करते हैं। भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे रे मन मतवारा मतवारा। भोर आई गया गाना हो चाहे कोई भी गाना, देखिए स्वरों को उसी से उसकी वो उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम अपने यदि शास्त्रीय संगीत के हिसाब से देखें तो मैंने बार बार उसमें कुछ स्वरों को डाला तो आपको राग एकदम क्लियर हुआ होगा। सारे जग में हुआ नाचे झूमे रे मन मतवारा मतवारा। अब राग तो वही है, ये बंदिश जरूर फिल्मी है, हम चाहे हमें यदि राग समझ में आता है तो हम उसको इसमें भी प्रयोग कर सकते, क्यों नहीं। गा गा रे सा सा गा रे गा पा पा ग म रे ग प द नी द सा नी रे सा सा रे सा नी द नी द प म ग म रे ग प म ग म रे सा ग म रे ग प म भोर गया अंधियारा भोर आई गया नी सा रे सा नी द नी द प म ग म रे सा भोर आई गया अंधियारा। राग को एंजॉय करके गाना चाहिए, राग के जो स्वर संगतियाँ उनको ध्यान में रखते। सा ग म रे ग प द नी द प ग म रे ग प द नी द सा नी रे सा सा ग म रे सा सा रे सा नी द नी द प म ग म म रे सा म ग म म रे सा भोर आई गया अंधियारा भोर आई गया अंधियारा सारे जग में हुआ शास्त्रीय संगीत की बंदिश हो या वो भक्ति रस का हो या वो श्रृंगारिक हो। राग अलैया बिलावल में बहुत सी बंदिशें बहुत खूबसूरत से अलग अलग भाव जो हैं वो सामने। और देखिए राग मैंने जैसे बोला कि राग का विस्तार मंद्र मध्य ताल तीनों में है, तो चाहे वो कोई भी बंदिश हो उसमें राग का पूरा उसका विस्तार पूरा सामने दिखता है।
अब जैसे एक एक भजन हम कोशिश करते हैं कि इसको यदि हम दीनन दुख हरन देव संतन हितकारी अजा मील गीध व्याघ इनमें कहो कौन साध पंछी को पद पढ़ात गणिका सितार। यदि हमें ये साहित्य दिया गया और हमसे कहा गया कि आप इसको राग अलहिया बिलावल कंपोज करें तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसको कोशिश की जा सकती है ताल के हिसाब से। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि राग के जो मेन जो स्वर हैं, स्वर संगतियाँ हैं, किस प्रकार से उसका चलन है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको कोशिश करते हैं गाने के लिए। दीनन दुख हरन देव, दीनन दुख हरन देव, संतन हित कारी, दीनन दुख हरन देव। इस जो भजन को कोशिश की गई है एक ताल में इसको निबद्ध किया जाता है। एक ताल के बोल क्या है, 12 मात्रा की एक ताल है। धिन धिन धागे त्रिकट तू ना कत्ता, धागे त्रिकट धीन, धिन धिन धागे त्रिकट तू ना कत्ता, धागे त्रिकट धीन, दीनन दुख हरन देव, संतन हित कारी, दीनन दुख हरन स्वर समुदाय आपको एकदम से क्लियर हो रहा है। ग म रे सा नी द सा सा सा, ये भी एकदम ग प नी द सा, ये भी आपको एकदम क्लियर आ रहा है इसमें। तो कोशिश करनी चाहिए जब हम किसी राग बेस्ड कोई भी बंदिश बना रहे या किसी को कोई भजन को कोई गीत को कोई गजल को यदि हम उस पर कंपोज करें तो ये भी एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। राग का स्वरूप यदि हम राग पे कर रहे हैं तो उसको कोशिश की जाती है कि उस राग की खास चीज़ें उसमें जरूर आनी चाहिए, खास स्वर संगतियाँ और उसका चलन। एक बात और है कि जब हम सुगम संगीत की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी लीनियंसी वहाँ पे है कि आप उस बंदिश की खूबसूरती को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत और भी स्वरों का जो शायद उस राग में प्रयोग नहीं होते उसका खूबसूरती के लिए आप ले सकते हैं, बट दैट इज़ फॉर द लाइट म्यूजिक या सुगम संगीत के लिए। तो यहाँ यदि क्लासिकल को लेकर कोई चीज़ कंपोज करते हैं तो उसमें राग का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। दीनन दुख हरन देव, संतन हित कारी, दीनन दुख हरन देव, अजा मील गीध व्याघ, उन में कहो कौन साध पंछी को साहित्य लिया और कोशिश की कि भाई इसको एक ताल में हम यदि इसको बिठाते हैं तो थोड़ा हमें देखना पड़ता है कि उसका छंद जो है वो एक ताल में फिट हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दीर्घ और लघु शब्दों का अक्षरों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लघु की बढ़त करें या उसको खींचे और उसका वो भाव सामने ना आए। तो ये बहुत सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए हैं राग अलहिया बिलावल के, ये बड़े खूबसूरत उदाहरण हैं और इसमें सभी में रागों की जो एक संरचना जिनसे होती है वो चीज़ें एकदम क्लियर है। मैंने आपको हिंदी फिल्मों का भी आपको उदाहरण दिया और जैसे एक और फिल्म है परिचय, उसका एक गीत है जिसमें कि स्वरी बता दिए गए हैं, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। अब सारे के सारे गामा को लेकर तो शब्द जो है वो स्वरों को बोले कि भाई षड्ज और ऋषभ जो है गंधार और मध्यम को लेके गाते चल रहे हैं। तो ये कितना खूबसूरत सा साहित्य लिखा है, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, पापा नहीं है धानी सी दीदी,
दीदी के साथ है सा धानी सी दी ध और निषाद मतलब जो इम्पोर्टेंट है धनी द प पापा नहीं है धनी द प स्वरों को देखे तो वही चीज है धनी सी दीदी दीदी के साथ है सारे एंड दिस फ्रेज इज वेरी इम्पोर्टेंट यदि हम इसको कहें धनी द प धनी ध जो है वो राग की खासियत है दीदी के साथ है सारे यानी धनी ध प जो है वो राग को एकदम सामने क्लियर करके लेकर आ रहा है। तो कुछ कुछ देखिए जब रचनाकार लिखते हैं चाहे वो फिल्म में लिखें या बंदिशों में लिखें या गीत लिखें गज़ल भजन कुछ भी लिखें तो वो उसको फील करके लिखता है जब जो भी इसको बनाता है और जो संगीतकार उसको कंपोज करता है वो भी यदि उसी फील को महसूस करता हुआ जिसको बंदिश के को बनाए या उसे कंपोज करे तो इसे सोने पर सुहागा ही कह सकते हैं। तो एक तरह से मैं समझती हूँ कि अब आपको राग अल्हैया बिलावल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस एक शॉर्ट तरीके से मैं राग अल्हैया बिलावल का फिर से एक आपको संक्षिप्त अति संक्षिप्त परिचय देती हूँ। राग अल्हैया बिलावल बिलावल थाट का राग है। राग बिलावल थाट जो है उसमें सारे स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। थाट से ही राग की उत्पत्ति होती है तो बिलावल थाट से राग अल्हैया बिलावल की उत्पत्ति हुई है। और अल्हैया बिलावल जो राग है वो प्रातःकाल गाया जाता है यानी दिन का द्वितीय प्रहर कुछ लोग दिन का प्रथम प्रहर भी कहते हैं। इस राग में जो है धैवतवादी और गांधार संवादी है। इस राग में जो इसका मंद्र मध्य तार तीनों में इसका विस्तार किया जाता है और इसमें ध्रुपद धमवार इसमें आपके बड़ा ख्याल द्रुत ख्याल गीत गज़ल भजन तराना ये सभी इसमें मिलते हैं। राग अल्हैया बिलावल की जो खास बात है खास स्वर संगतियों में दनी दापा कोमल निषाद का जो है दोनों शुद्ध धैवत के साथ प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही मेन है। और धागा मारे गा प धागा धैवत और गंधार की जो संगति है ये बहुत खास है। रे गा पा गंधार और पंचम की संगति बहुत खास है। और जब हम इसको गाते हैं तो उसमें आरोह में मध्यम जो है वो वर्ज है यानी सा गा मारे गा प तो मध्यम जो अवरोह में ही प्रयोग होता है आरोह में वर्ज है इसलिए शाणव और संपूर्ण जाती है। हाँ ये राग की खास चीज़ है वो ये बात है कि वो वक्र गा जब सा रे गा मा प द नी सा ऐसे नहीं गा सा ग म रे गा प द नी द सा नी द नी द प ध ग म रे गा प म ग म रे सा। तो ये जो चलन है इसको इस तरह से याद किया जाए तो राग अल्हैया बिलावल आप बहुत खूबसूरत तरीके से उसको सीख सकते हैं और उसको गा सकते हैं। इसी के साथ अल्हैया बिलावल को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्कार।